हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक। ये है यहाँ पे लेबरिंथ ऑफ लीजेंड्स का एपिसोड। एंड यहाँ पे आज हम लेबरिंथ ऑफ लीजेंड करने वाले हैं। लेबरिंथ ऑफ लीजेंड्स में एक पाथ में टोटल 20 फाइट्स होती हैं। एंड ये हर एक मैं टोटल चार पार्ट बनाने वाला हूँ उसके, और हर एक पार्ट में टोटल पांच पांच फाइट ही होंगी। अगर मैं एक साथ वीडियो डालूंगा मेरे ख्याल से 1 घंटे के ऊपर वीडियो चले जाएगी, आप लोग भी देखोगे नहीं और बहुत सारा डेटा लगेगा और बहुत टाइम लगेगा इसको अपलोड करने में, एडिटिंग करने में। इसलिए मैं पार्ट्स में बना रहा हूँ। यहाँ पर टोटल चार पार्ट होंगे, हर एक पार्ट पर पाँच पाँच फाइटें होंगी। एंड लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे हरकुलीज। सबसे पहले तो मैं हरकुलीज रखने वाला हूँ, एंड मैं एगॉन रखने वाला हूँ, एडम वॉरलॉक रखने वाला हूँ, यहाँ पे किटी प्राइड रखने वाला हूँ। मैं किसके लिए किटी प्राइड हम करने वाले हैं? मैस्ट्रो के लिए। मैस्ट्रो से फाइट करेंगे क्योंकि मैस्ट्रो को हमने बार बार स्पेशल 2 पे पुश करना है। सिंपल सा पाथ लेने वाला हूँ मैं, पूरा राउंड मारने वाला हूँ, पूरे एक लेबरिंथ ऑफ लीजेंड का पूरा राउंड मारने वाला हूँ। एंड लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। पहली फाइट आई थिंक मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है एक्स रेड हल्क के साथ होने वाली है। एगॉन का इस्तेमाल करने वाला हूँ, देखने वाला हूँ एगॉन क्या कर सकता है यहाँ पे। एंड लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। जहाँ तक मेरे को याद है ये फाइट को टाइम लगेगा क्योंकि एगॉन के हमें यहाँ पे कॉम्बो बनाने हैं। दूसरी बात ये है कि एगॉन का डैमेज जब कॉम्बो बनेगा तब ही इंक्रीज़ होगा, वरना इसका डैमेज नहीं है। तो इस ये फाइट लंबी होगी, सिंपल सी बात ये है। ओके तो गाइस, ये फाइट शुरू हो चुकी है, एक्स रेड हल्क वर्सेस एगॉन। एगॉन का मैं देखना चाहता हूँ, अगर हम इसके कॉम्बो बना लेंगे कि एगॉन कॉम्बो बनाने के बाद भी देखना चाहता हूँ मैं कर क्या लेगा ये एगॉन। अगर इसके कॉम्बो हम बना भी देते हैं, 400-500 कॉम्बो बना भी देखते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि कितना डैमेज ये प्रोवाइड कर सकता है। मेरे को पता है, जहाँ तक मेरे को लगता है एगॉन को फ्यूरीज़ की ज़रूरत होती है जब भी यहाँ पे डैमेज प्रोवाइड करना होता है, और फ्यूरीज साले को मार खाने के बाद ही मिलती है। बाकी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो मैं यहाँ पे रेड हल्क का सिर्फ और सिर्फ स्पेशल 1 ही स्पैम करवा रहा हूँ, स्पेशल 2 स्पैम नहीं करवाएंगे, क्योंकि अगर गड़बड़ हुई स्पेशल 2 में टाइम डेक्स करने में, देन आपका पूरा का पूरा कॉम्बो मीटर जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। ये फाइट स्लो होने वाली है, लंबी होने वाली है, क्योंकि एगॉन का हम यहाँ पे कॉम्बो जो है वो बना रहे हैं अभी यहाँ पे। ओह, यहाँ पे इसने इवेड किया, दैट्स वाई मैं बच गया, वरना मेरा कॉम्बो मीटर लॉस्ट हो जाता। और एक और चीज़ है, जब भी सामने वाला इवेड करेगा आपको एगॉन के सामने कॉम्बो शील्ड आ जाएगा, जिससे कि आपके कॉम्बो पूरे के पूरे बच जाएंगे। फिलहाल मैंने 64 का कॉम्बो बना दिया है। इस फाइट को करने में आई थिंक मेरे 300 के ऊपर कॉम्बो लग गया है, 300 कॉम्बो मैंने बनाए हैं, शायद से ज़्यादा ही बनाए हैं वैसे तो, देखते हैं क्या होता है। ओके तो गाइज, देखो यार, इस फाइट में मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि रेड हल्का मैं सिर्फ और सिर्फ स्पेशल 1 ही स्पैम करवाऊं, क्योंकि स्पेशल 2 में अगर आपको टाइमिंग में गड़बड़ हो गई डेक्स करने में, देन आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, आपका कॉम्बो भी टूट सकता है। लेकिन सामने वाला जब भी एगॉन के सामने इवेड करेगा, एगॉन का कॉम्बो मीटर आ जाएगा, जिससे कि आप इसका इवेड करने के बाद अगर आपको हिट भी पड़ जाता है तो आपका कॉम्बो मीटर रहेगा, वहाँ पर कॉम्बो रहेंगे। लेकिन इवेड किए बिना अगर वो आपको मार गया, जैसे देखो इसे इवेड किया, मुझे कॉम्बो मीटर आ गया यहाँ पे, जिसकी वजह से मेरा कॉम्बो सलामत है। लेकिन अगर आपको बीच में मार पड़ जाती है, देन आपका कॉम्बो मीटर पूरा का पूरा लॉस्ट हो जाएगा, एंड फिर से आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब ये फाइट को ही आपको कॉम्बो रिस्टार्ट करना पड़ेगा। फाइट तो चल ही रही है लेकिन कॉम्बो भी रिस्टार्ट करना पड़ेगा। फिलहाल हमने 127 का हिट का कॉम्बो बना लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये फाइट जो है, पहली फाइट जो है यहाँ पे एगॉन की, वो स्लो होने वाली है। देखो ये स्पेशल 2 पे होने ही वाला था, लेकिन मैंने कोशिश ये की कि स्पेशल 1 ही स्पैम करवाऊँ उससे, एंड यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ कि स्पेशल 1 फेंके, एंड देन उसके बाद हम अपना कॉम्बो फेंके। अब मैं स्पेशल 1 अपना खुद का स्पैम इसलिए कर रहा हूँ ताकि कॉम्बो मीटर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जल्दी से जल्दी कॉम्बो मीटर बढ़े। 144 का कॉम्बो मीटर हो चुका है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने स्पेशल 1 स्पैम कर दिया है, 153 कॉम्बो हो चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, अगर मेरा कॉम्बो मीटर लॉस्ट होता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा यहाँ पे, बहुत, एक तो टाइम की वेस्ट हो जाएगी, बूस्ट वेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद यह है कि मेहनत भी वेस्ट ही है। फिर से मेरे को साइड से ये फाइट को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद में क्या होगा कि अगर रिस्टार्ट करता हूँ फिर से वही टाइम कंज्यूम होगा। देखो 171 का कॉम्बो मैंने बना लिया था, अब मेरा 171 का कॉम्बो जो है वो लॉस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि साला बीच में पैसिव हो गया, मुझे बीच में पैसिव होने के बाद में मैंने सोचा कि अब मैं इसको ब्लॉक पे हिट करता हूँ तभी अपना स्पेशल छोड़ेगा, लेकिन जैसे ही ब्लॉक पे हिट करने गया साले ने मेरे को स्पेशल इंटरसेप्ट मार दिया, और मेरा 171 का कॉम्बो था जो कि लॉस्ट हो गया है।
अब देखो यहाँ पे मैं अब सोच रहा था कि रिस्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन रिस्टार्ट करके भी कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि मैं इतनी फ़ाइट कंप्लीट कर चुका था। अब इससे और फिर से मैं रिस्टार्ट करता, फिर से वो टाइम 4-5 मिनट जितने भी है वो टाइम फिर से लगाता, फिर से बूस्ट लगता, वो फिर मेरा टाइम वेस्ट ही होना था। मैंने सोचा अब जितने भी कॉम्बो बनेंगे, अगर फिर से 150 का कॉम्बो ही बनता है बहुत है, इनफ है, नेक्स्ट फाइट के लिए हम आराम से उसमें पेल देंगे इसको। फिलहाल तो रेड हल्क से हमारी फाइट है, एक्स रेड हल्क, लेट्स सी, देखते हैं इसको अभी कितना कॉम्बो और हम बना सकते हैं। एंड अगर वो कॉम्बो बना लेते हैं उसका मेरे को लगता है 80% ही अपने कॉम्बो स्टोर होते हैं, जहाँ तक इसके चार्ज है ऑयगॉन के, वो मेरे ख्याल से 80 जितना भी कॉम्बो आप बनाते हो, सपोज करो आप 100 का कॉम्बो बनाते हो, 100 की कॉम्बो पे फाइट ख़त्म एंड होती है, देन मेरे ख्याल से 80% ही शायद से स्टोर होते हैं, 80 ही चार्ज आपके स्टोर होंगे, 80 ही कॉम्बो आपके स्टोर होंगे। फिलहाल तो देखो अगेन मैंने यहाँ पे 80 का कॉम्बो रेडी कर लिया है, 171 का कॉम्बो लॉस्ट हुआ है, बहुत नुकसान हुआ मेरे को, और मैं सोच रहा था एक टाइम पे रिस्टार्ट करने का, लेकिन फाइट में इतनी आगे पहुंच चुका था मैं, ऑलमोस्ट मैंने इसको 40% मार दिया था, 60% ही रहता था, फिर मैंने सोचा कि अब फाइट क्या स्टार्ट करनी है, देन उसके बाद में इसलिए मैंने यहाँ पे फाइट रिस्टार्ट नहीं की एंड इसी फाइट को कंटिन्यू करना अच्छा समझा। फिलहाल तो मैंने 100 का कॉम्बो बना दिया है लगभग, एंड इसके बाद देखते हैं, 100 का कॉम्बो बन गया ना मतलब कि 180 कॉम्बो तो हमारे स्टोर होंगे अगर ये फाइट ख़त्म होती है, लेकिन ये फाइट और लंबी जाएगी अभी, जहाँ तक मेरे को लगता है 200-250 का कॉम्बो फिर से मैं बना सकता हूँ यहाँ पे, अगर लक रहा और किस्मत अच्छी रही और ये सामने वाला पैसिव नहीं खेला तो हम 200-250 का कॉम्बो मुझे लगता है बना लेंगे। अब देखो दिक्कत की बात एक और चीज़ है, ये लिम्बर भी लगाए ना सामने वाले पे, मतलब आप ज़्यादा स्टन नहीं कर सकते हो बार बार उसको, सामने वाले को 10 बार स्टन करोगे 11वीं बार वो स्टन होगा ही नहीं, मतलब पैरी होगा ही नहीं, तो आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि बार बार आपको पैरी भी नहीं करना है, इंटरसेप्ट भी खेलना है, तो दिक्कत तो आने वाली है भाई। एंड फिलहाल तो अभी देखो 37% पे बचा है, 140 का कॉम्बो मैं मार चुका हूँ इसको, एंड यहाँ पे मैंने एक हैवी यूज़ किया ताकि कॉम्बो मीटर आए, अगर मार पड़ती भी है कॉम्बो हमारा लॉस्ट ना हो, चलो अच्छी बात है। 142 का कॉम्बो है मेरे पास में एंड इसने हैवी दे के हमें एक ओपनिंग प्रोवाइड कर दी है। ओ अच्छी बात यह है कि मेरा कॉम्बो मीटर इवेड आ गया था ना उसका, मेरा कॉम्बो मीटर आ गया जिसकी वजह से मेरा कॉम्बो बच गया, वरना यार गया था ये भी, कम भी ये भी चला गया था मेरा कॉम्बो। 145 का कॉम्बो है मेरे पास में, अब मैं सोच रहा हूँ स्पेशल 2 मार के ब्लीड का डैमेज प्रोवाइड करे क्या इसको, एक सेकंड देखते हैं, पहले मैं इसका स्पेशल 1 वेस्ट करवाना चाहता हूँ, ये करवा दिया वेस्ट एंड पूरा कॉम्बो फेंकने के बाद में मैं सोच रहा हूँ स्पेशल 2 फेंक देते हैं। यहाँ पे हमने स्पेशल 2 फेंक दिया है इसको, ये लगा यहाँ पे ब्लीड का कॉम्बो, ब्लीड डैमेज 3.3K का ब्लीड डैमेज मिल रहा है यहाँ पे, 160 का कॉम्बो, साथ ही साथ स्पेशल 1 भी फेंक दिया हमने, 166 का कॉम्बो, अब ट्रू एक्यूरेसी आ चुकी है। 150 कॉम्बो के बाद में एगॉन, जब भी आप एगॉन से मारोगे सामने वाले को, शायद क्रिटिकल हिट जब भी जाएगा तो सामने वाले हमारे ऊपर ट्रू एक्यूरेसी का बफ आएगा, जिसकी वजह से हम इसका इवेड फेल्ड कर सकते हैं, मतलब इवेड से तो अब बच गए हम, इवेड तो सामने वाला फेल्ड ही होगा। अब हमें क्या करना है, एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें इसको इंटरसेप्ट खेलना पड़ेगा, हम इसको पैरी नहीं कर सकते, पैरी करके आप इसको बार बार नहीं मार सकते, क्योंकि यहाँ पे अब लिम्बर आ चुका है, लिम्बर अपना काम दिखा रहा है कि बार बार आप पैरी नहीं कर सकते हो इसको। फिलहाल तो यहाँ पे 197 का कॉम्बो हम बना चुके हैं, याद रखो 171 का कॉम्बो मैं लॉस्ट कर चुका हूँ, फिर से मैं 200 का कॉम्बो बना चुका हूँ यहाँ पे, एंड अब जो इसकी हेल्थ रहती है वो है 10% हेल्थ बकाया रहती है इसकी, एंड 7% अब यहाँ पे जो एगॉन का डैमेज है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, 212 का कॉम्बो है यहाँ पे, एंड लेट्स सी देखते हैं अभी यहाँ पे एक और कॉम्बो देने के बाद में मैं अपना स्पेशल 1 छोड़ने वाला हूँ, ये छोड़ा हमने, अरे मैंने सोचा था रैलिक छोड़ूंगा, फिर से कॉम्बो फेंकूंगा और फिर से मारूंगा। फिलहाल तो 218 का कॉम्बो है हमारे पास में, ये ओपनिंग इसने फिर से दे दी, यहाँ पे मैंने कॉम्बो छोड़ दिया अपना पूरा का पूरा, ये दिया मैंने स्पेशल 2, 226, 227 का कॉम्बो यहाँ पे हमने बनाया, फिर से 171 लॉस्ट होने के बाद भी 399 का कॉम्बो हमें लग गया पूरा का पूरा इस फाइट को कंप्लीट करने के। चलते हैं नेक्स्ट फाइट पे जो कि ओल्ड मैन लोगन के साथ है, तो दूसरी फाइट जो इस पार्ट 1 में दूसरी फाइट है वो है एक्स ओल्ड मैन लोगन के साथ में। अब मैं यहाँ पे हरकुलीज लेके आया हूँ, देखो यार हरकुलीज लेके आया हूँ, अब मैं देखना चाहता हूँ, देखो पहली फाइट खत्म करने में हमें 7.5 मिनट लग गए जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है,
इस फाइट को कंप्लीट करने में जहां तक मेरे को याद है 2.36 सेकंड लगे हैं, मतलब कि आप समझ लो 150 सेकंड, हाँ 156 सेकंड्स लग गए मुझे इस फाइट को कंप्लीट करने के लिए। लेट्स सी, देखते हैं हम यहां पे, जहां तक मेरे को याद है, अगर फिर भी देखते हैं एंड में देखी जाएगा हमको कितना टाइम लगेगा। फिलहाल तो यहां पे सिंपल सा रोटेशन, देखो हरकुलिस के साथ में सिंपल रोटेशन है और हाई डैमेज चैंपियन है यहां पे, ये तो जरूरी है आपको लेबरिंथ में। स्पेशल वन मारना है इंटरसेप्ट पे और दूसरी बात स्पेशल टू मारना है आपको इंटरसेप्ट पे, देन आपको पूरे कॉम्बो चलाने हैं यहां पे आराम से, धड़ाधड़ आप इसको मार सकते हो यहां पे। पहले तो देखो मैंने स्पेशल टू फेंक दिया, यहां पे अच्छा खासा डैमेज मिल रहा है। देख लेकिन एक और चीज है, लैबिरिंथ ऑफ लीजेंड में 50,000 के ऊपर आप डैमेज नहीं दे सकते हो, यहां पे कैप हो जाएगा, मतलब आप 50,000 से ज्यादा डैमेज प्रोवाइड नहीं कर सकते किसी भी कॉम्बो या किसी भी हिट में, वरना हरकुलिस इससे भी ज्यादा डैमेज प्रोवाइड करता, जो कि सीजीआर है वो भी इससे ज्यादा डैमेज प्रोवाइड करता, फाइट और जल्दी खत्म होती। लेकिन आप 50,000 की लिमिट है यहां पे, तो इसलिए आप ज्यादा डैमेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। फिलहाल तो हमने यहां पे इसको काफी ज्यादा 47 का कॉम्बो बना के 67% पे ले आया हूं। देखो मैं एगोन को यूज कर रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ एगोन में ऐसी क्या खासियत है, मैं भी पहली बार खेल रहा हूँ, मुझे शायद इसका रोटेशन पूरा नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता कि एगोन में कितने कॉम्बो बनाने पड़ते हैं तब जाके इसका डैमेज इंक्रीज होता, मुझे नहीं पता, बस मैं खेल रहा हूँ। मुझे पता है कि एगोन के साथ मारना है आपको, कॉम्बो बनाने हैं आपको, 500 के ऊपर कॉम्बो बनाने पड़ेंगे तभी इसका अच्छा खासा डैमेज होता है। लेकिन फिलहाल मैं खेल रहा हूँ, मुझे नहीं पता रोटेशन क्या होते हैं इसके, लेकिन मैं खेल रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि एगोन 400 कॉम्बो पे क्या करेगा, 500 कॉम्बो पे क्या कर सकता है ये, ताकि आगे समझ तो आए, एबिस में लेके जाऊंगा तो समझ में तो आए, नेक्रोपोलिस में लेके जाऊंगा तो समझ में तो आए कि एगोन कहाँ पे यूजफुल हो सकता है और क्या क्या ये एबिलिटीज, क्या क्या बफ अपने ऊपर ला सकता है। फिलहाल तो मुझे इतना पता है कि 150 कॉम्बो के बाद में ये ट्रू एक्यूरेसी बफ लाता है, जो कि बहुत सही है, बहुत सही है, ताकि सामने वाले का इवेड फेल्ड हो जाए। अब फिलहाल तो हमने यहाँ पे एक्स ओल्ड मैन लोगन को 30% से भी शायद से डाउन कर दिया है, 28% पे ले आया हूँ, ज़रा टाइम नहीं हुआ है, 90 का कॉम्बो हम बना चुके हैं। मैं चाह रहा हूँ कि स्पेशल वन फेंके, ये फेंका इसने स्पेशल वन, हमने इसको इन्फ्यूरेट भी कर दिया है यहाँ पे, एंड मुझे मेरे को स्पेशल टू फेंकना है, मैं स्पेशल टू पे जाना चाहता हूँ, ये मारा मैंने स्पेशल टू पे चला गया हूँ मैं, एंड इसने अपना पूरा ये फेंक दिया स्पेशल, ये दिया मैंने स्पेशल टू पे डैमेज अगेन, एंड ये पहुँच चुका है 7% पे, यहाँ पे मैं पूरा कॉम्बो फेंकने वाला हूँ, और आई थिंक मेरे को लगा था ये फाइट खत्म हो जाएगी बट नहीं हुई। फिलहाल इसका स्पेशल वन स्पैम करवाते हैं एंड ये बड़े हिट, और ये फाइट हमने खत्म की है 2.36 सेकंड में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फाइट पे, जो कि इलेक्ट्रा के साथ है। ओके, तो गाइज यहाँ पे एगोन को मैं फिर से लाया हूँ। देखो एगोन में जो कॉम्बो स्टोर हुआ है वो हुआ है 158 का कॉम्बो स्टोर हुआ है, 228 का कॉम्बो मैंने लगाया था पूरी फाइट में, मतलब एक कॉम्बो लॉस्ट करने के बाद में 258 का कॉम्बो मैंने लगाया था। अब यहाँ पे मेरे को जो स्टोर कॉम्बो मिला है वो मिला है 158 का। अब यहाँ से लेके जितनी भी फाइट में मैं कॉम्बो यूज़ करूँगा, जितना भी फाइट में कॉम्बो बना के रखूँगा, वो एड ऑन हो जाएगा 158 में। लेट्स सी, देखते हैं हम कितना कॉम्बो यहाँ पे बना सकते हैं। जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है ये फाइट में शायद 3 मिनट से ऊपर लग गए थे हमें, शायद जहाँ तक मेरे को याद है। फिलहाल देखते हैं एंड में पता चल ही जाएगा हम कितना फाइट का यूज़ कर रहे थे। फिलहाल डैमेज जो है थोड़ा बहुत इंक्रीज दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एंड क्रिटिकल हिट ज़्यादा मिल रही है। मैं इसको कोशिश ये कर रहा था इलेक्ट्रा को, बार एक्स इलेक्ट्रा को, ताकि ये बार बार स्पेशल टू पे जाए और स्पेशल टू ही स्पैम करे, क्योंकि स्पेशल टू स्पैम करना और डेक्स करना बहुत ज़्यादा ईजी है इलेक्ट्रा का। अब यहाँ पे एज कम्पेयर टू स्पेशल वन, क्योंकि स्पेशल वन में आपको टाइमिंग का खेल है और फिर आपको डैश फॉरवर्ड करना, जैसे ही आप स्पेशल टू का स्पेशल वन का लास्ट हिट डेक्स करते हो इलेक्ट्रा का, वैसे ही आपको डैश फॉरवर्ड करके इसको मारने जाना है, वरना फिर आपको ओपनिंग नहीं मिलेगी मारने की। फिलहाल तो देखो ट्रू एक्यूरेसी हमारे ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से हम इसका क्या बोलते हैं कि इवेड फेल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ आया था रेजिस्टेंस डाउन, मतलब कि सामने वाले का फिजिकल रेजिस्टेंस भी हमने थोड़ा बहुत डाउन कर दिया है जहाँ तक मेरे को समझ में आया। फिलहाल तो देखते हैं क्या होता है। हमने यहाँ पे 55 का कॉम्बो, 60 का कॉम्बो ऑलमोस्ट बना लिया है, एंड इसकी हेल्थ हो चुकी है 78%। बार बार ये स्पेशल वन स्पैम कर रही थी, लेकिन कोई नहीं, हम भी देखते हैं मौके पे चौका ही मारेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे मैंने फिर से इसको पैरी पकड़ लिया है, ये मैंने 73 का कॉम्बो बना दिया है, 74% है, एंड मैं चाह रहा हूँ ये स्पेशल टू स्पैम करें, स्पेशल टू से स्पैम कर दिया है, एंड यहाँ पे एक और कॉम्बो ये दे दिया हमने रैलिक साथ में ही, एंड यहाँ पे मीडियम लाइट मीडियम मारा मैंने यहाँ पे, यहाँ पे स्पेशल वन स्पैम कर दिया है। 88 को कॉम्बो मैं बना चुका हूँ, यहाँ पे एक और है ये अपना 5 फीट का कॉम्बो। अब मैं चाह रहा हूँ कि स्पेशल टू फेंके, ताकि हम अपना स्पेशल वन मार सके पूरे कॉम्बो के बाद, एंड यहाँ पे मैंने 100 का कॉम्बो बना लिया है, ये मैंने इंटरसेप्ट फेंका है इसको, ये मैंने बनाया 100 का कॉम्बो, ये दिया साथ में स्पेशल टू का डैमेज, एंड 2.594 का ब्लीड डैमेज मिल रहा है, कम मिल रहा है जहाँ तक मेरे को याद है, इतना नहीं मिलना चाहिए। एक्स रेड हल्क को तो ज़्यादा मिल रहा था यार,
3.3 का डैमेज मिल रहा था ब्लीड डैमेज, इसको 2.5 का ही मिला, पता नहीं क्या हुआ। फिलहाल तो 120 का कॉम्बो हम बना चुके हैं यहाँ पे, एंड मैं चाह रहा हूँ कि स्पेशल 2 अपना स्पैम करे ताकि एक ओपनिंग मिले और हम इसको आराम से मार सके। यहाँ पे 129 का कॉम्बो हो चुका है एंड 54% पे है ये अभी भी। एंड यहाँ पे मैंने एक और कॉम्बो अपना फेंक दिया, ये दिया साथ में ही रैलिक, 135 का कॉम्बो है, साथ में ही एक और कॉम्बो 140-41। एंड मैं चाहता हूँ ये स्पेशल 2 अगेन स्पैम करे ताकि हम इसको आराम से मार पाए। एंड इसने एक ओपनिंग दे दी है, मैं स्पेशल 3 पे भी जा सकता था वैसे, स्टन मार सकता था इसको मैं, फिर वहाँ पे और कॉम्बो बना सकते थे हम। ओके कोई बात नहीं, यार ब्लीड का डैमेज कम मिल रहा है, जहाँ तो इससे कम क्यों मिल रहा है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कुछ। यहाँ पे मैंने स्पेशल 1 स्पैम कर दिया, 160 का कॉम्बो बन चुका है, ठीक है। अब ये कॉम्बो मैं चाहता हूँ कि लॉस्ट ना हो, क्योंकि ये कॉम्बो लॉस्ट हुआ देन फिर यार मेरे को वापस से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, और जहाँ तक मेरे को लगता है फिर ये 100 कॉम्बो के अंदर ही निपट जाएगी और मेरा फिर वही टाइम वेस्ट हो जाएगा, यार मैंने वो नहीं चाहता। यहाँ पे मैंने हैवी मार दिया, कॉम्बो मीटर अपना ले आया हूँ ताकि अगर कोई हिट भी रिसीव्ड हो ताकि हम बच जाए। ओके फिलहाल तो 170 का कॉम्बो मेरे पास है। अब यहाँ पे ये दे दिया हमने रैलिक का अपना डैमेज, एंड यहाँ पे ये मारा मैंने स्पेशल 2। मैं चाहता हूँ ये स्पेशल 2 अपना फेंके ताकि हम इसको और डैमेज प्रोवाइड, ओपनिंग दे दी। अब यहाँ पे पूरा कॉम्बो देने के बाद में मैं स्पेशल 2 स्पैम करने वाला हूँ अपना, एंड ये पहुँच चुकी है 25% पे, 3000 का ब्लीड डैमेज मिल रहा है अब। ओके फाइन कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने, अरे भाई इंटरसेप्ट हो गया, लक रहा भाई इंटरसेप्ट हो गया, वरना गया था कॉम्बो। यार 200 का कॉम्बो मैं बना चुका हूँ, यहाँ पे मैंने हैवी भी स्पैम कर दिया, 209 का कॉम्बो हो चुका है, स्पेशल 2 स्पैम कर दिया, ओपनिंग इसने दे दी है हमें यहाँ पे मारने की। एंड यहाँ पे अगेन मैंने इंटरसेप्ट फेंका है, यहाँ पे रैलिक फेंकने वाला हूँ, साथ में ही एक और कॉम्बो मारने वाला हूँ और साथ में ही स्पेशल 1 भी मारूंगा। ये मारा स्पेशल 1, 226 का कॉम्बो, सॉरी 231 का कॉम्बो, यहाँ पे एक ओपनिंग मिलेगी और जहाँ तक मुझे लगता है अब इसका अंत करीब है। यहाँ पे हाँ 238 का कॉम्बो हमने बनाई, 243 का कॉम्बो बनाया, अब देखते हैं नेक्स्ट फाइट में इसमें 158 प्लस कितना ऐड ऑन होता है, ठीक है। ओके तो गाइज इस पार्ट 1 की ये फाइट है फोर्थ फाइट है यहाँ पे, इसके बाद में एक और फाइट करने वाला हूँ और देन पार्ट 1 को हम एंड करेंगे। देखो अब जो मेरे कॉम्बो यहाँ पे स्टोर हुआ है वो हुआ है 328 का कॉम्बो, अब यहाँ से हमें एड ऑन और करना है, देखते हैं हम कितना कॉम्बो इसमें और स्टोर कर पाते हैं। यार वैसे 158 और 328 100 और 50 मेरे ख्याल से 150 का ही कॉम्बो स्टोर हुआ जहाँ तक मेरे को लग रहा है। हाँ 150 का ही कॉम्बो, 170 का कॉम्बो स्टोर हुआ, 243 में सिर्फ 170 ही कॉम्बो स्टोर हुआ। यार ये कुछ ज़्यादा ही कम हो रहा है यार, या मेरा अकाउंट तो सिग्नेचर 200 का है यार, और असेंडेंट भी है R4। चलो कोई नहीं, फिलहाल हमने यहाँ पे 60 का कॉम्बो बना लिया है, इसका स्पेशल 1 स्पेशल 2 जो भी है हमारे, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसे, हम दोनों टैकल कर सकते हैं, इसके दोनों के दोनों इजी हैं यहाँ पे स्पेशल करना। मैं चाहता हूँ ज़्यादातर ये स्पेशल 1 ही मारे ताकि बार बार हमें ओपनिंग का चांस मिले और हम बार बार इसको लगातार मार सके। यहाँ पे मैं अपना पूरा 5 हिट का कॉम्बो एंड 6 हिट का कॉम्बो एंड साथ में ही स्पेशल 1 फेंक रहा हूँ। 86 का कॉम्बो हम अगेन बना चुके हैं एंड 72 की हेल्थ रह गई है इसकी, ये हमने यहाँ पे डैमेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड ओके मैं चाह ब्लॉक पे भी काफ़ी क्रिटिकल हिट मिल रहे हैं हमें, तो अच्छी बात है वो भी। एंड 96 का कॉम्बो है यहाँ पे, यहाँ पे मैं स्पेशल 2 सोच रहा हूँ मार लूँ। 102 का कॉम्बो, साथ में ही एक और हैवी फेंक दिया हमने। 105 का कॉम्बो हो चुका है हमारे पास, एंड ये हमने यहाँ पे 111-112 ये साथ में ही ब्लीड का डैमेज मिलेगा, एंड 3000 का ब्लीड डैमेज मिल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से इतना भी यार 328 का कॉम्बो बना दिया, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है भाई, डैमेज उतना ही मिल रहा है, 8000-9000 बस इतना ही डैमेज मिल रहा है यार, ब्लीड का भी ज़्यादा डैमेज है नहीं। ओके कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो 139 का कॉम्बो फिर से मैंने बना लिया है यहाँ पे, एंड हेल्थ जो है उसकी 50% से भी नीचे आ चुकी है 145। एंड यहाँ पे मैं फिर से स्पेशल 2 स्पैम करने वाला हूँ, आप लोग देख रहे हो डैमेज ज़्यादा नहीं मिल रहा है भाई, पता नहीं कब मिलेगा इसका एगॉन का डैमेज, आई डोंट नो। 155-160 का कॉम्बो बना चुका हूँ मैं अगेन यहाँ पे, एंड इसकी हेल्थ 30% से भी डाउन आ चुकी, इवेट भी फेल्ड हो चुका है सामने वाले का। 167 पे पहुँच चुका हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैंने इंटरसेप्ट खेला इसके साथ एक और बार, ये दिया साथ में स्पेशल 1। 180 का कॉम्बो के ऊपर चले जा चुका हूँ मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे रैलिक हमारा रेडी हो चुका है, रैलिक फेंकने वाला हूँ, साथ में एक और कॉम्बो फेंकने वाला हूँ और साथ में ही स्पेशल फेंक दूंगा ताकि कॉम्बो और बन जाए हमारा।
196 200 को कॉम्बो में अगेन बना चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब 16% हेल्थ उसकी रहती है, डैमेज तो इंक्रीज हुआ है नो डाउट इन दैट, बट देखते हैं क्या होता है। 243 का डैमेज, 243 कॉम्बो लग गए थे ना वहाँ पे मार रहे हैं इलेक्ट्रा को, लेट्स सी देखते हैं। 7% 219 को कॉम्बो तो मैंने फिलहाल इसको बना दिया, इसने ओपनिंग दे दी हैवी छोड़ के। यहाँ पे स्पेशल वन मैंने स्पैम कर दिया है, 230 का कॉम्बो जो है वो बना दिया है मैंने यहाँ पे, ओके। एंड ये बना, ये आई थिंक इसका एंड है। 237 का हिट यहाँ पे भी बनाया। अब देखते हैं नेक्स्ट फाइट में इसकी कितने कॉम्बो स्टोर होते हैं। ओके तो गाइज ये है ये पार्ट वन की लास्ट फाइट है यहाँ पे, जो कि हमारी फाइट है क्लॉसस, अनस्टॉपेबल क्लॉसस के साथ में। अब ये फाइट अनोइंग फाइट है, इरिटेटिंग फाइट है। क्यों ये फाइट अनोइंग है? क्योंकि जब भी अपना स्पेशल छोड़ेगा ये अनस्टॉपेबल होगा। अब उस अनस्टॉपेबल को टैकल करने के लिए हमें वेट करना होगा, क्योंकि हल्क लेके आया था मैं ताकि डैमेज इंक्रीज हो हमारा यहाँ पे। अब उस अनस्टॉपेबल, जब तक वो अनस्टॉपेबल बफ इस सामने वाले पे ख़त्म नहीं होगा तब तक हम इसको मार नहीं पाएंगे। अब देखते हैं क्या करते हैं हम यहाँ पे, कोई भी रोटेशन, यहाँ पे कोई भी रोटेशन नहीं है, सिंपल। आप जब भी आपका मन करता आप स्पेशल वन मार दो, जब भी आपका मन करता आप स्पेशल टू मार दो, जब भी आपका मन करता आप स्पेशल थ्री मार सकते हो। लेकिन स्पेशल वन मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि लिम्बर लगाया है जिसकी वजह से ये स्टन बार बार हटा देगा और हमारा स्पेशल वन मारने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ पे हल्क का यूज़ करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ 7-स्टार का रैंक 2 का हल्क स्पेशल 2 पे कितना ज़्यादा डैमेज प्रोवाइड कर सकता है और हम ये फाइट को कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। एंड फिलहाल तो देखो मैंने यहाँ पे 84% पे इसको ले आया हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोशिश ये करूँगा बार बार इसको स्पेशल 2 पे पुश करूँ, क्योंकि अगर स्पेशल मारना ही है इसको तो आप एक काम करो ना, आप बार बार मुझे वही मारो, क्या बोलते हैं, स्पेशल 2 ही मारो। देखो मैंने इसको यहाँ पे फिलहाल तो स्पेशल 3 पे गलती से लेके गया, मेरे को लेके नहीं जाना चाहिए था, बट कोई नहीं। ओके हमने यहाँ पे ओके 14 फिजिकल वर्नेबिलिटी लगा दिया, 16, 17, 18 ये दिया हमने यहाँ पे डैमेज, ओके 69%। अब देखो यार स्पेशल 1 स्पेशल 2 जब भी ये यूज़ करेगा ये अनस्टॉपेबल होगा। अब उस अनस्टॉपेबल जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक हम इसको मार नहीं सकते हैं, एंड तब तक मेरी फ्यूरीज भी डाउन होगी। अब इसी फाइट में मेरे को इरिटेटिंग लग रही थी, ये अनोइंग फाइट लग रही थी, इसलिए गाइस थोड़ा मैं इरिटेट हो भी गया था इस फाइट में। है ये अनोइंग फाइट है, जहाँ तक मेरे को याद, मेरे को एक चीज़ करना चाहिए था, मेरे को ना यहाँ पे सिल्क को लेके आना चाहिए था सिल्क, क्योंकि वो स्लो डिबफ डालते रहती एंड हम उसके स्पेशल्स भी इवेड करते, अनस्टॉपेबल भी टैकल कर लेती और इसका इवेड भी कंट्रोल कर सकती थी। मेरे ख्याल से मेरे को यार सिल्क को ही लाना चाहिए था, लेकिन जब मैंने ये लेबरिंथ ऑफ लीजेंड्स खेला मेरी सिल्क जो है वॉर में फंसी हुई थी, तो यार मैं सिल्क को नहीं ला पाया, इसलिए मैं हल्क को लेके आया। बट कोई नहीं, फिलहाल हम यहाँ पे स्पेशल 3 एक खा चुके हैं एंड मैंने इसकी हेल्थ भी थोड़ी बहुत डाउन कर दी है। फिलहाल देखते हैं कितना हम इसको मार सकते हैं और कब कितने टाइम में हम इसको मार सकते हैं और कितना ज़्यादा डैमेज हम बार बार इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेट्स सी देखते हैं। अभी देखो 45% पे मैं इसको लेके आया हूँ, मेरी फ्यूरीज अगेन, मैं रेज आ चुका है मेरा। मैं चाहता हूँ ये अपना स्पेशल 2 यूज़ करे ताकि इसका अनस्टॉपेबल बफ आए एंड हम इसको थोड़ा बहुत तो डैमेज प्रोवाइड करें। अब अनस्टॉपेबल ख़त्म होने का वेट करते हैं, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। 42% पे है ये, यहाँ पे मैंने रैलिक का यूज़ किया, यहाँ पे अब मैं स्पेशल 2 मारने वाला हूँ। ये मारा मैंने स्पेशल 2 एंड 38% पे, 42 पे था ना शायद, 38% पे हम इसको लेके आए, ठीक है। डैमेज प्रोवाइड तो हो रहा है बट मुझे लगा था 50,000 का कैप हिट करेगा मेरा हल्क, बट वो भी नहीं कर पा रहा है वो। ओके कोई बात नहीं, क्योंकि फिजिकल वनरेबिलिटी हम इतने लगा नहीं पा रहे ड्यू टू अनस्टॉपेबिलिटी इसकी, हम इतना। अरे यार इवेड करके मार गया भाई, शिट मैन, इवेड करके मार गया यार। कोई बात नहीं, यहाँ पे लेट्स सी देखते हैं। मुझे नहीं पता यार एगोन में इसलिए नहीं लाया इस फाइट में क्योंकि ये अनस्टॉपेबल होता है, दैट्स वाई मैं एगोन को नहीं लाया। मुझे नहीं पता एगोन अनस्टॉपेबल को भी टैकल कर सकता है कॉम्बो होने के बाद या नहीं, वो मुझे नहीं पता है। बाय द वे एगोन के कॉम्बोज जो स्टोर हो चुके हैं वो हो चुके हैं 493 कॉम्बोज स्टोर हो चुके हैं उसमें। नेक्स्ट फाइट जब नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें देखते हैं हम कितने और कॉम्बोज इसके स्टोर कर सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे मैं स्पेशल 2 मारने का सोच रहा था, लेकिन अगर मारता तो ये स्पेशल 3 पे ट्रिगर हो जाता है, फिर हमारी बैंड बच जाती है, हम नॉकआउट हो सकते थे। इससे अच्छा वेट कर लो थोड़ा पेशेंस। अरे नहीं मेरे को स्पेशल 3 पे पुश कर दिया इसने, ठीक है कोई बात नहीं हम। अरे नहीं लिम्बर की वजह से अब ये स्टन भी नहीं हो पा रहा ज़्यादा, ठीक है कोई बात नहीं। हमने यहाँ पर इंटरसेप्ट खेल दिया है वैसे तो 20% पे, ओके 20% पे है, 18% पे हमने इसको पहुँचा दिया है। मैं चाहता नहीं है स्पेशल 3 पे जाए इसलिए मैंने इसको मारा नहीं। अनस्टॉपेबल ख़त्म होगा देन हम उसको मारेंगे। 14 वल्नरेबिलिटी तो लगा रखी है हमने इस पर एंड मुझे इंटरसेप्ट खेलना पड़ेगा यहाँ तो इसका हैवी। जब तक ये ओपनिंग नहीं देगा तब तक हम इसको मार नहीं पाएंगे। ओके यहाँ पे
दे भाई ओपनिंग क्या कर रहा है। ओके यहाँ पे हमारा रेलिक जो है वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, ठीक है। मैंने इंटरसेप्ट खेल दिया है इस पर एंड मैं चाहता हूँ ये स्पेशल टू फेंके ताकि हमको टाइम मिले फिर से मारने का इसको। ओके अनस्टॉपेबल है, अनस्टॉपेबल ख़त्म होने का वेट करना है। ये फाइट इरिटेटिंग है यार, दैट्स वाई ये फाइट थोड़ी लंबी भी हो गई, वरना ये फाइट बहुत जल्दी में ख़त्म, मतलब ये फाइट थोड़ी और जल्दी, मेरे ख्याल से ये फाइट 40 से 45 सेकंड और जल्दी ख़त्म हो जाती है जितना इसको टाइम लगा है। 40 से 45 सेकंड और जल्दी ख़त्म होती है ये फाइट अगर ये बार बार अनस्टॉपेबल नहीं। ओह कैप हिट कर दिया मैंने यहाँ पे। फाइनली हमने लास्ट फाइट भी पार्ट वन की ख़त्म कर ली है एंड इसी के साथ में पार्ट वन ख़त्म होता है। पार्ट टू में कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी लेके आऊँ आप सभी के लिए एंड मुझे खुद भी दिखाना है आप लोगों को। तो मिलता हूँ पार्ट टू में। अगर लाइक अगर पसंद आती है वीडियो लाइक कमेंट जरूर करो क्योंकि एडम वॉरलॉग भी आगे खेल दिखाने वाला है। बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।